राती दिन रा फर्क पाई गया, पिछला कोई नाम निशान नहीं हो ना आज मेरा नाम जगह जमीन ना रा कोई भी। अच्छा नवा नवा सिलसिला चल रहा। अच्छा क्या नाम आपका? सिया। सिया कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी नहीं पढ़ती। थैंक यू। नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे पालवाड़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ हिमाचल के दो खूबसूरत गांव। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गांव ग्रेड और गांव चिलाना की। तो ग्राम पंचायत हवाण के अंतर्गत आते हैं गांव और तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर में आते हैं दोस्तों। और मेरे साथ होंगे भाई पंकज जी जो मेरे को इन गांव को एक्सप्लोर कराएंगे, पूरे गांव में घुमाएंगे। तो ये चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप गांव भद्रौण से आते हैं तो यहाँ है गांव भद्रौण की बाबड़ी और यहाँ है धान के खेत। और यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं ये है गांव भद्रौण और ये घर पड़ते हैं गांव ग्रेड में दोस्तों। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं गांव ग्रेड का सरकारी प्राइमरी स्कूल और ये घर आपको मिलेंगे सबसे पहले एंट्रेंस पे। और यहाँ है शिव जी महाराज जी का मंदिर और ऊपर है पीर भैनुधार और सामने है गांव ग्रेड। यह है गांव ग्रेड जिसको मैं एक्सप्लोर करूँगा दोस्तों। उसके बाद हम चलेंगे चिलाना की तरफ। ये है गांव ग्रेड का शिव मंदिर और बिल्कुल जब आप गांव ग्रेड की तरफ जाएंगे दोस्तों तो यहाँ है गांव ग्रेड के लिए जो सड़क है दोस्तों और बिल्कुल इसके साथ में है ये शिव मंदिर। और ये घर आपको मिलेगा दोस्तों जब आप गांव ग्रेड की तरफ एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको ये घर मिलेगा। हमारे गांव में काफी मतलब जो है ना 20-22 फैमिलीज है। अच्छा। यहाँ पर पानी की सुविधा बहुत बढ़िया है। अच्छा। और पानी का कोई कमी नहीं है। अच्छा। और काफी क्लाइमेट भी काफी अच्छा है हमारे यहाँ, भाईचारा बहुत ही प्रेम से रहते हैं। मैं आफ्टर 30 साल कंप्लीट करके जो है ना। अच्छा। उसके बाद गांव में आए। अच्छा तो कैसा लगा आपको, ठीक लगा यहाँ? बहुत ही बढ़िया माहौल है। अच्छा। वहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं दोस्तों इतनी दूर बसा है ये गांव और सबसे पहले हम जाएंगे सिद्ध महाराज जी के मंदिर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिद्ध महाराज जी के मंदिर के पास और ये है गांव ग्रेड का सिद्ध महाराज जी का मंदिर। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चट्टान के नीचे विराजमान है बाबा सिद्ध महाराज जी। गांव ग्रेड में तकरीबन 21-22 बाकी नीचे वाले गांव से थोड़ा अच्छा, आप में है। अच्छा। यहाँ पर स्वच्छ हवा है। अच्छा अच्छा वातावरण है और सड़क तकरीबन ठीक है। अच्छा। कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। सब सड़कों का कार्य भी चला हुआ है और अच्छा, काली होने वाली है जो गांव के नजदीक है। हाँ जी। बाकी पानी का भी ठीक है सिस्टम। अच्छा। पानी का कुछ सप्लाई का है, कोई हमारे चश्मे है उनसे भी पानी पीते हैं, वो भी अच्छे चले हुए। अच्छा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा कल्चर जो है थोड़ा पहले वाला कल्चर बदली हो रहा है, उसको सही करने के लिए तो हम लोगों को इन बच्चों को या बच्चों के माँ बाप को उस चीज के बारे में बताना चाहिए कि जैसे लोहड़ी होती है, पहले बच्चे स्कूल गांव में जाते थे, लोहड़ी गाते थे और दाने वगैरह इकट्ठे करते थे। उसी प्रकार दिवाली है, दिवाली का भी जितना
पहले मनाते थे बच्चे लोग घेरसु 8 दिन बालते थे, तो इसके लिए जो है माँ बाप को या बूढ़े बुजुर्ग है उनको उन बच्चों को थोड़ा हो सके तो इकट्ठे करके उनको बताना चाहिए कि ये हमारा कल्चर जो है इसको हमने कायम रखना है और तभी ये लुप्त होने से बच सकता है। लुप्त होने से बच सकता है। और यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं गांव का फ्रंट व्यू, और कुछ परिवार हैं इधर आप सामने देख सकते हैं, ऊपर जो आप घर देख रहे हैं ये आता है चल्याना एक गांव में, यहाँ भी 5-7 परिवार बसे हैं दोस्तों। और ऊपर जो पहाड़ी आप टॉप पे देख रहे हैं ये है भैणु धार, और कुछ ऐसा मनमोहक व्यू है यहाँ से, बारिश लग चुकी है जमाजम दोस्तों। ये है गांव ग्रेड़ की बावड़ी, और यहाँ से पीने का पानी ले जाते हैं सभी लोग, और ऐसा कुछ हिमाचल की पुरानी ये बावड़ियाँ हैं दोस्तों। और सिर्फ इन पे ये गेट लगाया है बाहर से, बाकी इनकी जो भी कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल पुरानी है, और अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है इन बावड़ियों में। आप देख सकते हैं पानी कितना क्रिस्टल क्लियर पानी होता है इनका, और पीने में उतना ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों। और ये रास्ता जाता है गांव की तरफ दोस्तों, तो अब हम चलते हैं गांव की तरफ। और दोस्तों अब हम गांव की तरफ जा रहे हैं, और कुछ घर आपको यहाँ मिलेंगे, कुछ घर आपको इस साइड मिलेंगे दोस्तों। और आप सामने ऊपर दिख रहे हैं जो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है ये है पंकज ठाकुर भाई जो मेरे साथ हैं उनका घर, और नीचे भी आपको कुछ घर मिलेंगे दोस्तों। और इस गाँव में कच्चे मकान थोड़े कम है, ज़्यादातर पक्के मकान बना लिए हैं लोगों ने, और साथ में है ब्रह्मदेव जी पीपल महाराज जी। और जहाँ मैं खड़ा हूँ दोस्तों ये है 200 साल पुराना आम का पेड़, आप देख सकते हैं दोस्तों, और एक बंदा आसानी से यहाँ इसके अंदर रह सकता है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं गांव के बीचों बीच पहुंच चुका हूँ, और आप सामने देख सकते हैं हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है दोस्तों, और आप धुंध देख सकते हैं, और कुछ घर आपको वहां मिलेंगे जहां से हम पहले आए। अब हम गांव के बीच पहुंच चुके हैं, और कुछ ऐसा व्यू है दोस्तों यहां से, ये नीचे आप गांव देख रहे हैं ये है गांव बड़ियाना, और इस गांव को मैं पहले एक्सप्लोर कर चुका हूं दोस्तों, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और नीचे जो गांव देख रहे हैं ये है गांव ब्रेड़ी, इसको भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। और सामने का व्यू कुछ ऐसा है यहां से, ये हैं भाई जी सुमन ठाकुर भाई जी, और इनकी घर की छत पे मैं अभी यहाँ आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं ग्राटियां का काम कर रहा, ग्राट फेर रहा मैं। अच्छा ही। अब ग्राट बंद हो गए, पानी रे बाधा थे। अच्छा ही। सड़क निकली। हाँ जी। सड़क ने कुल्ला चले गया। अच्छा। अब पानी नहीं आया, उन फिर मशीन लगाई घर आटे पीने की। अच्छा। बस जरा पिछले रोज रस्म से खत्म हो गए सब, 12-13 साल फेरा ग्राट। अच्छा। तो था थले गरड़ लगी रहा वहाँ, फिर गरड़ा जो एक मुंगरी वहां से लोहे दी। अच्छा। फिर तो जब मुंगरिया तो लाइन थे पत्थर आटा पीने वाले। अच्छा। बस फिर पाइप पाई रही 100 फुट। अच्छा। 3 इंची। अच्छा। जिसके पानी जहाँ था फिर हाँ ग्राट बजा कसानिया करा थे। अच्छा। बर्द घर घर रखी रही की जोड़ी बर्दारी। अच्छा। वो भी खत्म हो गए। अच्छा। गऊ पालनिया खत्म कर दिया दुनिया। अब अच्छे कराए कुछ झाड़ बजी लाओ आराम से बैठिया घर मिला रही सियाणिया चक्किया। अच्छा। हाथा ने फेर दे रही है, पींदे रही थे, खाते रहे थे। 10-12 आदमी तिना जो भगवान से सियाणिया पी पी के ने। अच्छा। राती दिन फर्क पाई गया, पिछला कोई ना नुकसान नहीं हो ना आदमी जगह जमीन कोई भी। अच्छा। नवा नवा सिलसिला चल रहा है चीजा टाइमा माँ कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, और कई दाले हुए थे कर रही। अच्छा। अब उस कोई चीज नहीं आई जमीन ते आउंदी। अच्छा। सवाए मक्की के कणक और कोई चीज नहीं आउंदी जमीन ते, और कमाना क्या जाड़े नौकरी चाकरी बाहर मेहनत मजूरी नहीं होंगी। अच्छा। घर ही कमा थे सब। अच्छा। किसी बड़ी गल को लाहौरा चली गए जिसे लिया महीने रखते 5-6 रुपये महीने रे। अच्छा। कने बाकी घरे जमीना कमा थे और टब्बर वो है बतेरे टाइमा कोई फोन फोन थे ये तो हूं चले। उस टाइम गंभरी आ जाए नाच करन थी कि मैं फिर भजना थी वहां थी तीसा देखा थे मेरे माले हूं जिन्हें देखी लाए थे। अच्छा। कर सकते ये पिछली टाइप चीजा कोई चीज नहीं आ सकती। अच्छा जी।
कोई चीज नहीं आ सकती है। हाँ जी, हाँ जी। बीमारियां तां लगा कर कमाना कख नहीं आ। अच्छा। ये खाद बंद हो जाओ, सोसाइटी बंद हो जाओ, बच्चा खेता कमाना। अच्छा। जोर से कमाना, रोटियां भी जोर से खानिया, तीन चार चार रोटियां खानिया मक्की एरिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सारा दिन कुदाल पाना खेते, बीमारियां मेन कारण ये भी खाद ता जाना, बीमारी खादी री मेहरबानी सारी हरेक चीजा जो स्प्रे होया कराई, कहा जो स्प्रे होया कराई। हाँ जी, हाँ जी। ये आजकल फसल लाई दी सब स्प्रे होया कराई, कोई भी चीज खाने दी सब्जियां लगा दी तेना स्प्रे नहीं करो तो कख नहीं आना, खरीदा करो मुल दुकाना जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आजकल लगी दी जिमीदारे सब्जियां तो स्प्रे करा कर फटाफट, रोज की स्प्रे। हाँ जी, हाँ जी। ता सब्जी खाया कराई ना जो ये स्प्रे बंद हो जाओ कर बगैर स्प्रे ते सब्जी आओ उसमें ताकत। हाँ जी, हाँ जी। इसा सब्जियां कोई ताकत नहीं आई।